राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर डायलॉग राइटर जावेद अख्तर के पियकड़पन के किस्से मशहूर है। जावेद ने खुद कई इंटरव्यूज में कबूला है कि वह हर रोज शराब की एक बोतल खत्म कर दिया करते थे। अब एक चैट शो में उन्होंने बताया कि शराब पीकर उनके अंदर का शैतान बाहर आ जाता था। एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने शराब पीने की वजह पर बात की है। उनसे पूछा गया था कि क्या वो अपने अंदर के जज्बात बाहर लाने के लिए शराब पिया करते थे। इस पर जावेद साहब ने जवाब दिया, हाँ, मेरे अंदर कई छिपे हुए इमोशंस थे। जिस गुस्से की आप बात करते हैं या जिस कड़वाहट की आप बात करते हैं, वो मेरे अंदर थी। यही वजह है कि अक्सर मैं शराब पीने के बाद एक बेहद आक्रामक इंसान बन जाता था, जो मैं आमतौर पर नहीं होता हूँ, न मैं कभी था। आगे जावेद साहब ने कहा है कि जब भी मैं नशे में नहीं होता था, तब मैं कभी आक्रामक नहीं होता था। जब मैं पीता था तो मेरे अंदर एक दूसरा शैतान निकल आता था। मैंने अपनी जिंदगी में दो चार अच्छे काम किए हैं। उनमें से एक ये है कि 31 जुलाई 1991 को मैंने आखिरी बार शराब पी और उसके बाद कभी शराब नहीं पी। मैंने कभी शैंपेन का एक घूंट तक नहीं लिया। लोग चीयर्स करके शराब होठों पर लगा लेते हैं, लेकिन मैंने वो तक नहीं किया। मैंने शराब में अपने होठ तक नहीं लगाए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।